तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है रेजिन ट्रांसफर प्रोसीडर इन सीपीयू को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीपीयू यानी कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में रेजिन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीडर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीपीयू क्या होता है और बड़े बड़े प्लांटों में इसका कहां पे इंस्टॉलेशन होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसका फंक्शनिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जब हमारा सीपीयू एडजस्ट हो जाता है यानी इस रेजिन के अंदर, यानी कि सीपीयू के अंदर जो रेजिन है, कैटायन और एनायन रेजिन है, इसके अंदर अब इतना कैपेसिटी नहीं रह पाता है कि जो कंडेंसेट इसके अंदर फ्लो करेगा उस कंडेंसेट के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है उसको ये ट्रैप कर पाए, क्योंकि इसका कैपेसिटी जितना था ट्रैप करने का उतना कर चुका है, अब इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, यानी कि ये जो रेजिन है वो एडजस्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका रेजिन को चार्ज करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल सिस्टम का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा सीपीयू है वो यहां पर चार्ज नहीं किया जाता है बल्कि इसको एक्सटर्नल मेथड से चार्ज किया जाता है। तो इसको चार्ज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो सीपीयू के अंदर रेजिन है, कैटायन और एनायन रेजिन है, इसको हम लोग यहां से ट्रांसफर करेंगे। तो अभी हम लोग डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस रेजिन को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं और कैसे करते हैं और इसका रेजिन ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सीपीयू यानी कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में रेजिन कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें हम लोग केवल ट्रांसफरिंग प्रोसेस समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस रेजिन को कैसे चार्ज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अभी ये क्या है, हमारा सीपीयू है यानी कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सीपीयू के बारे में, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कंडेंसेट है यानी कि जो टर्बाइन से एग्जॉस्ट स्टीम निकलता है उसको हम लोग कंडेंसर में कंडेंस कर देते हैं, उस कंडेंसेट को हम लोग क्या करते हैं इस सीपीयू से पास आउट करवाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंडेंसेट के अंदर बहुत सारा इंप्यूरिटीज मौजूद रहता है, जैसे कि उसमें इरोजन या कोरोजन की वजह से कोई मेटल ऑक्साइड हो वो प्रेजेंट होता है, या कभी कभी कंडेंसर लीक होने की वजह से जो मतलब इंप्योर वाटर है वो डायरेक्टली कंडेंसेट में मिक्स अप हो जाता है, जिसके चलते जो इंप्यूरिटीज का कंसंट्रेशन है कंडेंसेट के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। उस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए यानी कंडेंसेट के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सीपीयू का यूज करते हैं। तो सीपीयू क्या करेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कैटायन और एनायन रेजिन होता है, तो जब हम लोग यहां से पानी पास आउट करवाएंगे तो देखिए यहां से हमारा कंडेंसेट इन होता है और इस तरह से इस हेडर के टॉप से हमारा बॉटम की तरफ पानी आता है। ठीक है, और इसके बाद ये रेजिन से पास आउट होते रहता है। तो यहां से जैसे ही हमारा कंडेंसेट जो है वो पास आउट होगा तो ये रेजिन के पास क्या होता है, कैटायन और एनायन होता है। तो कैटायन रेजिन क्या करेगा कि पानी के अंदर जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं जैसे कि हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम वगैरह है, ये ट्रैप कर लेगा। जो हमारा एनायन बेड है यानी एनायन रेजिन है वो क्या करेगा, जो भी निगेटिव आयंस हैं उसको यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, जैसे कि हमारा सल्फेट, सिलिकेट, नाइट्रेट वगैरह, ये सब चीज रिमूव कर लेता है। तो इसका भी एक कैपेसिटी होता है कि इससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो जब ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है तो ये जो रेजिन है वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, यानी कि रेजिन हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है और इस तरह से जो हमारा प्योर वाटर है इस नोजल से पास आउट होते हुए यहां से हमारा कंडेंसेट आउट हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, हमारा नोजल प्लेट कलेक्टर लगा हुआ है, तो यहां से हमारा ये हो जाता है। और देखिए यहां पे एक सिस्टम आपको दिख रहा होगा, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहां से हम लोग क्या करते हैं रेजिन को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे मैं लिखा हूं रेजिन आउटलेट, यहां से हमारा रेजिन आउटलेट होता है और यहां से अगर हम लोग को सीपीयू के अंदर रेजिन लेना है तो यहां से हम लोग इनलेट करवाते हैं। और यहां पर देखिए एक आपको वाल्व दिख रहा होगा, यहां से हम लोग डीएम वाटर यानी कि डीमिनलाइज्ड वाटर यहां पर एंटर करवाते हैं। ठीक है, यह सब चीज आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पर इसका एक वेंट सिस्टम दिया हुआ है। इस तरह से इस रेजिन को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इस सीपीयू को हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो इस सीपीयू को आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारा सीपीयू बाईपास लाइन होता है। तो सीपीयू बाईपास लाइन यानी कि यहां से हम लोग का क्या है, पानी ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए
बाईपास लाइन का जो यहाँ पे वाल्व है, पहले आप इसको ओपन कर देंगे, फिर इसका जो यहां से हम लोग का पानी क्या होगा, अब यहां से हम लोग का फ्लो करने लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो सर्विस इनलेट वाल्व है, ये देखिए यहां से जब हम लोग खोलते हैं तो कंडेंसेट इन करता है, तो ये जो सर्विस इनलेट वाल्व है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, और सर्विस आउटलेट वाल्व जो है ये वाला आपको रेड दिख रहा है, इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर अब हमारा ना कंडेंसेट आएगा और ना ही जाएगा। अब हमारा कंडेंसेट क्या होगा, यहां से हमारा बाईपास सिस्टम से फर्दर जो एलपी हीटर, डेरेटर और हमारा जो एच पीटर से होते हुए ये पास आउट हो जाएगा। इस तरह से यहां पे हम लोग सीपीयू को बाईपास कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो रेजिन है इसको ट्रांसफर करना है। तो इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं एससीआरवी, यानी कि सेपरेशन कैटायन रीजेनरेशन वेसल। यानी कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रेजिन यहां पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि करेंगे तो हम लोग सारा रेजिन यहां पे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद यहां पे हम लोग सबसे पहले इस रेजिन को सेपरेशन करेंगे, उसके बाद जो कैटायन रेजिन रहेगा उसको यहां पे रीजेनरेट करेंगे। इसीलिए इसका ऐसा वेसल जहां पे हम लोग सेपरेशन भी करते हो और कैटायन रेजिन को हम लोग यहां पे रीजेनरेट भी कर रहे हो, और उसके बाद यहां से जो हमारा एनायन रेजिन होगा, जो सेपरेशन करने के बाद कैटायन और एनायन डिफरेंशिएट हो जाता है, तो एनायन रेजिन को हम लोग एआरवी यानी कि एनायन रीजेनरेशन वेसल में ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही यहां से यानी कि एनायन रेजिन को एआरवी में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद यहां पे हमारा केवल कैटायन रेजिन रह जाता है, यहां पे एनायन रेजिन, इसके बाद इसको हम लोग रीजेनरेट करते हैं। तो इसका रीजेनरेट करने का प्रोसीजर क्या है, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी आप यही समझ लीजिए कि यहां पे हमारा कैटायन रेजिन क्या हो गया, रीजेनरेट हो गया, यहां पे एनायन रेजिन रीजेनरेट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कैटायन और एनायन को सेपरेट हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पे, तो एमआरएसवी यानी कि मिक्स्ड रेजिन स्टोरेज वेसल, यानी कि जो भी हमारा कैटायन है या एनायन रेजिन है उसको हम लोग यहां पे ट्रांसफर करते हैं, और यहां पे हमारा मिक्स फॉर्म में रहता है, और ये जो रेजिन है वो हमारा फुल्ली चार्ज रहता है। अब इस रेजिन को हम लोग को ट्रांसफर कहां करना है, तो सीपीयू में करना है। तो चलिए अभी हम लोग इसका प्रोसीजर समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग को सीपीयू को कहां ट्रांसफर करना है, एससीआरवी में ट्रांसफर करना है, तो क्या करना पड़ता है, तो अभी देखिए हमारा ये सीपीयू क्या है, आइसोलेट कंडीशन में है। आइसोलेट कंडीशन में है तो इसके अंदर जो हमारा सीईपी का जो पानी आ रहा था उसके वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर अवेलेबल होगा, तो इसका प्रेशर को मतलब रिलीज करने के लिए यानी कि इसको डीप्रेशराइज करने के लिए ये जो आपको वेंट वाल दिख रहा है ना, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहां से वेंट वाल्व ओपन करेंगे तो ये जो सीपीयू का जो सेल है ये क्या होता है, डीप्रेशराइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा रेजिन है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड रहता है, इसको लूज करने के लिए हम लोग को एयर स्कोरिंग करना पड़ता है। यहां पे एयर स्कोरिंग का मतलब होता है कि ये जो हमारा रेजिन है इसको एयर से हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। यानी कि स्कोरिंग का मतलब, एयर स्कोरिंग मतलब कि इसको एयर से हम लोग को साफ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो देखिए हमारे पास है एक एयर ब्लोअर। जैसे ही हम लोग ये ब्लोअर चालू करेंगे और इसका डिस्चार्ज वाल्व ओपन करेंगे, तो देखिए एक लाइन हमारा इधर गया है और एक लाइन हमारा इधर गया है। ये कहां गया है, तो हमारा एमआरएसवी में गया है। तो हम लोग को अभी लेना कहां पे है, सीपीयू को एयर स्कोरिंग करना है, तो ये वाल्व हम लोग ओपन करेंगे तो यहां पे हमारा एयर फिल हो जाएगा, और ये एयर क्या होगा, इस नोजल से पास आउट होते हुए इस बेड को टच करते करते हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और इस कंडीशन में हमारा वेंट ओपन है तो यहां से हमारा एयर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह से जो हमारा रेजिन है वो हल्का हल्का फ्लूडाइज करेगा और ये अच्छी तरह से ये साफ हो जाएगा यानी क्लीन हो जाएगा, और क्या होगा कि जो रेजिन है वो लूज हो जाता है। ऐसे क्या आता है, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है पानी की वजह से, तो जब हम लोग एयर से स्कोरिंग करेंगे तो ये लूज हो जाता है और ये क्लीन भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एयर स्कोरिंग करेंगे, जैसे ही हम लोग 2 से 3 मिनट तक एयर यहां पे फ्लो करवाते रहेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेंट है बंद कर लीजिए, एयर ब्लोअर को बंद कर लीजिए, यानी कि फिर से हमारा सीपीयू क्या है, आइसोलेट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इस रेजिन को ट्रांसफर करना है एससीआरवी में। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका वेंट दिख रहा है ना, इस वेंट को हम लोग ओपन करेंगे, ये वाल्व ओपन कर दीजिए, वेंट ओपन हो गया, और एक ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिंस वाल्व, यानी कि ड्रेन वाल्व बोल दीजिए या रिंस वाल्व बोलिए, इसको हम लोग ओपन कर देंगे। यहां पे कौन कौन सा वाल्व ओपन है, तो वेंट और रिंस वाल्व, और तीसरा हम लोग को क्या करना है, ये वाला यानी कि जो रेजिन इनलेट वाल्व टू द एससीआरवी है इसको ओपन करना है। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, ओपन क्या क्या हो गया, इनलेट वाल्व ओपन हो गया, रेजिन इनलेट वाल्व, हमारा रिंस वाल्व यानी कि ड्रेन वाल्व हमारा ओपन हो गया, और वेंट ओपन हो गया।
ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से रेजिन को ट्रांसफर करना है। तो इस रेजिन को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डीएम वाटर जो है ये वाल्व ओपन करेंगे और डीएम ट्रांसफर पंप चालू करेंगे, जिसके चलते यहां पे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाल्व ओपन करेंगे तो इसके अंदर पानी आना स्टार्ट होगा और यहां पे हमारा एक प्रेशर गेज रहेगा, इसका हम लोग प्रेशर देखते रहेंगे। जैसे ही हमारा 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर प्रेशर आ जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्चार्ज वाल्व है यानी कि रेजिन आउटलेट वाल्व है, इसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो डीएम ट्रांसफर पंप से जो पानी आ रहा है वो क्या करेगा, इस रेजिन को अपने साथ ले जा करके ये कहां लेके चला जाता है, तो देखिए ये वाल्व हमारा ओपन है, इस तरह से हमारा यहां पे आने लगता है। तो जो भी हमारा कैटायन और एनायन रेजिन है, इस तरह से यहां से हमारा SCRV में आने लगता है। तो यहां पे हमारा देखिए इस तरह से हमारा ये जो टोटल रेजिन है वो यहां पे आने लगता है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हमारा यहां पे रेजिन आ गया और इस रेजिन के साथ जो पानी आ रहा था वो क्या होगा, यहां से हमारा ड्रेन हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर केवल क्या बचेगा, तो हमारा रेजिन बचेगा। तो यहां से हम लोग रेजिन यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं, 20 से 30 मिनट लगता है। तो इतना समय में हमारा टोटल रेजिन क्या होता है, यहां पे ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ही यहां पे रेजिन ट्रांसफर होगा उसके बाद हम लोग को इसको और इसको आइसोलेट कर देना है। इसको आइसोलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे तो आपका आइसोलेट हो गया, क्योंकि और सारा चीज तो इसका बंद ही है। इसमें जो जो भी ओपन है यानी कि ये ओपन है इसको बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दीजिए, तो ये आपका क्या है, आइसोलेट कंडीशन में हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा रेजिन है कैटायन और एनायन रेजिन है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है, क्योंकि यहां जो पास आउट होता है तो इसके अंदर सस्पेंडेड या डिजॉल्व सॉलिड को भी ट्रैप करता है, यानी कि जैसे हमारा सिलिका वगैरह हो गया या सैंड जो भी थोड़ा सा इंप्योरिटीज है उसको भी ट्रैप कर लेता है, जिसके वजह से ये जो रेजिन है वो गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले इस रेजिन को हम लोग को साफ करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैकवॉश देते हैं, यानी कि बैकवॉश यानी कि बैक डायरेक्शन से इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी एंटर करवाएंगे और टॉप से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां पे हमारा एक वाल्व दिया रहता है और एक यहां पे भी हमारा वाल्व दिया रहता है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो डीएम ट्रांसफर पंप है ना उसका पानी, यानी कि इसको बैकवॉश करने के लिए हम लोग डीएम वाटर का यूज करते हैं, यानी कि डीमिलाइज वाटर का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग डीएम ट्रांसफर पंप चालू करेंगे तो यहां से पानी क्या होगा, इसके अंदर एंटर करेगा और इस नोजल से पास आउट होते हुए यहां से हमारा निकलेगा, और यहां पे हमारा ये देखिए हमारा क्या है, बैकवॉश इनलेट वाल्व यहां पे रहता है, ये हमारा बैकवॉश आउटलेट वाल्व रहता है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों को ओपन कर देंगे और यहां से हमारा जो पानी है वो फ्लो करता रहेगा, और यहां पे हम लोग देखेंगे कि इस डीएम ट्रांसफर पंप का जो प्रेशर है वो इतना ना हो कि यहां से रेजिन भी हमारा बाहर आता रहे। तो यहां से जो डिस्चार्ज होता है पानी उसको हम लोग प्रिडिक्ट करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। तो इनिशियली में आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा काला पानी निकलता है, यानी कि गंदा पानी निकलता है, क्योंकि इस रेजिन के अंदर जो भी इंप्योरिटीज है उसको वो साफ करते रहेगा। तो इसका जो हम लोग बैकवॉशिंग करते हैं 40 से 50 मिनट तक करते हैं, और उतना में ये जो पानी है वो क्लीन वाटर निकलने लगता है। तो जैसे ही आपका क्लीन वाटर निकलने लगे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीएम ट्रांसफर पंप बंद कर देते हैं, आउटलेट इनलेट दोनों वाल्व बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बैकवॉश हो जाता है। तो जैसे ही हमारा यहां पे बैकवॉश कंप्लीट हो जाता है, तो बैकवॉश प्रोसीडर के दौरान ही जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनायन रेजिन होता है उसका वेट लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है कंपेयर टू कैटायन रेजिन। तो इस तरह से जो हल्का रेजिन होगा वो ऊपर चला जाता है, तो देखा जाता है कि जो हमारा एनायन रेजिन है, यानी कि देखिए ये ब्लू वाला पे आप फोकस कीजिए, ये क्या होता है हमारा ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, कम होता है, और नीचे आपको मैक्सिमम जो कैटायन रेजिन है रेड वाला से मैं दिखा दे रहा हूं, तो कैटायन रेजिन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा एनायन रेजिन है इसको ट्रांसफर करना है कहां पे, तो ARV में, यानी कि एनायन रीजनरेशन वेसल में ट्रांसफर करना है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए देखिए मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो इसको भी ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या ओपन करेंगे, एक तो हमारा वेंट ओपन होना चाहिए, यहां पे देखिए हमारा जो रिंस वाल्व यानी कि जो ड्रेन वाल्व है इसको ओपन होना चाहिए, और तीसरा क्या है देखिए यहां पे हमने तीन लाइन दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेजिन ट्रांसफर करने के लिए ये चीज हमने ओपन कर दिया, और सबसे पहले हम लोग पहले वाला जो सबसे टॉप में आपको वाल्व दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा रेजिन इनलेट वाल्व है। ये तीनों को आप ओपन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों आप रेजिन इनलेट वाल्व को आप ओपन कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग जानते हैं कि डीएम वाटर से ही इसको ट्रांसफर करना है, तो देखिए यहां पे भी एक डीएम वाटर का पॉइंट दिया हुआ है, एआरबी से ट्रांसफर करना है तो यहां पे भी दिया हुआ है, एमआरएसबी से ट्रांसफर करना है तो यहां पे भी डीएम वाटर का लाइन दिया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग डीएम ट्रांसफर पंप चालू करेंगे और ये वाल्व ओपन करेंगे तो अब यहां से हमारा डीएम वाटर आने लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहां पे भी सेम प्रोसीजर है, जैसे ही 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाल्व है इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो अभी इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं ओपन है, केवल ये और ये ओपन है। तो इस तरह से जो इस लेवल में जो भी हमारा रेजिन है वो क्या होगा, यहां से इस एआरबी के अंदर ट्रांसफर होने लगता है। तो इस तरह से हमारा यहां पे क्या है, मान लीजिए ये टॉप लेयर का आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला जो डिस्चार्ज वाल्व है यानी कि रेजिन डिस्चार्ज वाल्व है इसको ओपन करेंगे, तो इस तरह से इतना रेजिन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ये थर्ड वाला वाल्व ओपन करेंगे तो ये वाला जो रेजिन है आपको यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो आपका ओपन ही है, केवल आपको ये डिस्चार्ज वाला जो है एससीआरवी का जो डिस्चार्ज रेजिन डिस्चार्ज वाल्व है उसको आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम लोग टॉप का करते हैं, फिर मीडियम का, फिर जाके हम लोग बॉटम साइड का करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो रेजिन है यहां से हमारा यहां आ जाएगा। तो ये हम लोग यहां से अब इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि यहां से हमारा ये ट्रांसफर हो गया है। अब यहां पे हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा केटायन रेजिन है, इसके अंदर हमारा एनायन रेजिन है। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए इसको रीजनरेट कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको रीजनरेट करने का क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे किया जाता है। अभी आप यही समझ लीजिए कि हमारा केटायन रेजिन क्या है, रीजनरेट हो गया, एनायन भी रीजनरेट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, केटायन और एनायन रेजिन को हम लोग को ट्रांसफर करना है इधर। तो देखिए ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, 17-18 मिनट का तो हो ही गया है। अगर हम लोग पूरा प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो ये और 10 से 12 मिनट कम से कम जाएंगे, तो ये 28 से 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखें कि कैसे सीपीयू को आइसोलेट किया जाता है, इसको बाईपास से हम लोग कैसे पानी फ्लो करवाते हैं, और सीपीयू का जो रेजिन है कैसे हम लोग इसको एससीआरवी में ट्रांसफर करते हैं, और यहां पर रेजिन कैसे हम लोग सेपरेट करके जो एनायन बेड है उसको हम लोग कैसे एआरवी में ट्रांसफर करते हैं, और यहां तक हम लोग रीजनरेट करके छोड़ दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे ये जो कैटायन और एनायन रेजिन है इसको हम लोग एमआरएसबी में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद इस एमआरएसबी से कैसे हम लोग सीपीयू में लाएंगे, और सीपीयू को कैसे हम लोग सर्विस मोड में लेते हैं, उसका हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।